नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस खास YouTube चैनल लक्षित ब्लॉगर में। और ये वीडियो बेसिकली कोरोना वायरस के ऊपर है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक पब्लिक का रिव्यू देखेंगे, और जो इस वीडियो में इंटरव्यू दे रहे हैं वो आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस से आप किस तरह रोकथाम करिए, कि उसके उपाय क्या हैं जिससे आप बच सकें। सभी लोग सही से सैनिटाइजर यूज करें और मास्क लगाए, हाथ दो दो मिनट में धोए ऐसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, मैं आपके साथ हूँ अक्षत सिंह। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना एक देश की बड़ी समस्या बन चुकी है, जो कि ना कि भारत की, पूरे देश में कोरोना फैल रहा है। तो आपको जैसा कि पता है कि कोरोना चीन, इटली, ईरान, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे ऐसे बड़े बड़े देशों में कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो भारत में फैल रहा है, तो इसके साथ हमारी चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं श्यामनाथ भरद्वाज। तो श्यामनाथ भरद्वाज जी, आपसे कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा कोरोना वायरस के ऊपर। जैसे श्यामनाथ भरद्वाज जी, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कोरोना वायरस के ऊपर, आपको उस क्वेश्चन के आंसर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन ये मेरा होगा, कोरोना वायरस का मतलब है कनेक्शन। लोग कह रहे हैं कि हम आपको छू रहे हैं, आप हमें छू रहे हैं, तो इसका मतलब कनेक्शन से ही है। तो लोग इस पर क्या एक्शन लें, क्या लोगों को इस पर क्या सोचना चाहिए, आप बताइए इसको लेकर। कि आज हमारे हिंदुस्तान में जो कोरोना फैला हुआ है, उसमें मतलब यह है कि थोड़ी दूरी बनाकर रखें जी, और हाथ धोएं साबुन से, और उससे मतलब यह है कि वो एक दूसरे से बहुत सफाई सुथराई, चाहे वो कहीं भी हो, और एक से जैसी समान स्थिति बना रखे जो देशवासियों को मतलब स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। बिल्कुल जी, सही बताया आपने। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि कोरोना वायरस, आपको पता ही है कि चीन में बहुत ज़्यादा चल रहा है, चीन में इसकी संख्या बढ़ रही है। तो चीन एक टेक्नोलॉजी का देश है, आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बनाता रहता है, और भारत में इसके ज़्यादा प्रोडक्ट आते रहते हैं। तो इस पर आपका क्या रहेगा कि चीन ही फेल हो गया इसको रोकने में, और चीन में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अप्रॉक्सीमेट में बताना चाहूँगा, 4,000 से ज़्यादा लोग चीन में पीड़ित हैं कोरोना वायरस से, मर चुके हैं, और पीड़ित तो 90,000 से ऊपर हैं। तो आप इसमें बताइए, चीन में क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ बताइए। चीन में जो है उनकी संख्या ज़्यादा है जी, जी, और जो उन्होंने रसायन तैयार किया जी, उस रसायन को हिंदुस्तान समझ नहीं पाई, और वो चालू वहाँ से सीधा होकर के हिंदुस्तान में फैला। अच्छा, समझ गया कि उन्होंने कोई अपना रिसर्च किया, किसी आपका ये कहना है रिसर्च किया, और वो फैल गया समझ नहीं पाया, आपका ये सुझाव है इसके ऊपर। ओके, अब वो जी, अब उसके ऊपर उन्होंने मतलब ये कि बहुत काम पाया, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनकी संख्या मरने से रोक पाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद में जो हवाई जहाज अपने यहाँ भारत में आए, यस, और उन्होंने अपने हिंदुस्तान वासियों को बुलाया, हमारी भारत सरकार ने, वो सराहनीय है, और सराहनीय इसलिए है कि जो कि हमारे वहाँ से आए, और हमारे भारतीय थे, इसलिए वो हमारा सरकार का, भारत सरकार का कर्तव्य था कि वो यह लाए, उसके बाद में लाए। अब उनका सिर्फ ये था कि जो शुरुआत में तो उन्होंने जाने दिया, उसके बाद में फिर उनका मतलब रोकथाम हुई, तो रोकथाम होने से भारत में जो भी थोड़ी दुर्घटना भई और फैला वो चीन की है, और इसी की तरफ से ही आए। श्यामनाथ भरद्वाज कह रहे हैं हमारे कि जो भारत एक काफ़ी बड़ा देश है, उस जनसंख्या में दूसरा नंबर है, उन्होंने विदेश में हमारे रह रहे जो भारतीय लोग हैं उनको बुलाने में काफ़ी ज़्यादा किया है, मदद की है, लेकिन अब ये रोक लगा दी गई है। हमारा एक और क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो कोरोना वायरस चल रहा है, उसके लक्षण क्या होंगे, आप कुछ बताइए हम लोगों को कि उन लक्षणों से हम लोग कैसे रोकथाम करें। हाँ, रोकथाम और पहले लक्षण बताइए, फिर रोकथाम। ठीक है, ठीक है, न होना चाहिए,
जी, मगर चार या पांच के बीच ही में आदमी चाहे बाजार में सौदा भी लेने जाए तो अकेले सौदा नहीं आए। ये नहीं हम इकट्ठे गए, इकट्ठे आपने उसमें मतलब भीड़ लगा दी और भीड़ के हम सौदा ले रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं हम भी बोल रहे हैं, आपके मुँह से निकल गया या जिस छूना छू तो आप बाजार से आए सौदा लेंगे तो उसको मतलब हाथ से साबुन से धो कर बहन हो जाए। बच्चे को रोके स्कूल में, भारत सरकार ने स्कूल को क्यों बंद किया, इसीलिए किया कि स्कूल जाते हैं जो बच्चे वो बेचारे पढ़ने भी जाते हैं, उनके माँ बाप ये सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ने ले जाए। अब वो शिक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने उसको मतलब रोक लगाई, बहुत अच्छी बात है जो मतलब हर भारतवासी को इसमें सहयोग करना चाहिए। आप श्यामनाथ रविदास जी ने बिल्कुल सही बोला है कि यूनिवर्सिटी लेवल और स्कूल लेवल सभी टाइप के स्कूल और परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, चाहे वो हमारे बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो लोकल पेपर्स हो, हर प्रकार के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए श्यामनाथ रविदास जी, और इस डिबेट को करते हैं खत्म यहाँ पर। यही हमारा आपसे संदेश रहेगा, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करके कमेंट जरूर करना, धन्यवाद।